हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा ट्यूब। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पावर और उसकी कमर्शियल यूनिट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने हाउस होल्ड डिवाइसेस, बल्ब और फ्यूज के बारे में डिस्कशन किया था। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यूजिंग द कंसेप्ट्स जो कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस किए हैं। पिछली सारी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने सिंपल तरीके से सॉल्यूशंस देने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जो कि है बैटरी। क्योंकि जब भी हम बैटरी एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने वाली बैटरी ही होती है, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें पता है कि वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द चार्ज। सो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of electric charge from one point to the other. Third question says, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6-volt battery? That means, charge is given to us as 1 coulomb. Potential difference diya hai hame 6 volts. So, hum is formula ko apply karenge, jisme work done is the product of the potential difference एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आएगा 6 × 1, यानी कि 6 जूल्स। तो हम कह सकते हैं कि 6 जूल एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे नज़र डालते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। और एक और फैक्टर जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस के लिए, वो है रेजिस्टिविटी या फिर रो। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। सिमिलरली जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना कम वो मटेरियल एक अच्छा कंडक्टर होगा। तो कह सकते हैं द लोअर द रेजिस्टिविटी द बेटर द कंडक्टर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन सेज, विल द करेंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड वायर। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि करेंट थिक वायर से ज़्यादा इजीली फ्लो करेगा या फिर थिन वायर से। जो डिफरेंस होगा थिक और थिन वायर में वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। थिक वायर में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू द थिन वायर। पतली वायर में मोटी वायर से कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा
उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। तो थिक वायर की रेजिस्टेंस कम होगी, जिस वजह से थिक वायर में देर विल बी अ मोर फ्लो ऑफ करेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द थिक वायर इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द थिन वायर। थर्ड क्वेश्चन सेज लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कॉम्पोनेंट डिक्रीजेज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, वॉट चेंज विल अकर इन द करेंट थ्रू इट। थर्ड क्वेश्चन में दो केसेस होंगे और दोनों में रेजिस्टेंस सेम रहेगी। फर्स्ट केस में वोल्टेज वी है तो इसमें करेंट वी बाय आर होगा। सेकेंड केस में वोल्टेज वी बाय टू होगी तो जो करेंट है वो वी बाय टू आर हो जाएगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी बाय आर इज नथिंग बट आई वन। तो हम ये कह सकते हैं कि आई टू इज आई वन बाय टू। तो द करेंट विल बी हाफ इन द सेकेंड केस, मतलब करेंट आधा हो जाएगा। इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जब वोल्टेज हाफ करेंगे तब करेंट भी हाफ हो जाएगा। द फोर्थ क्वेश्चन सेज Why are coils of electric toasters and electric irons made of alloy rather than a pure metal? तो alloys की resistivity हमेशा metals की resistivity से ज़्यादा होती है, but metals जो हैं उनमें oxidation बहुत easily हो जाती है, तो metal gets oxidized easily। इस वजह से कोरोजन और रस्टिंग के बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं। इसी रीज़न से हम अलॉयज का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर्स में और इलेक्ट्रिक आयंस में। फिफ्थ क्वेश्चन सेज विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज़ अ बेटर कंडक्टर। द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज़ लेस देन द रेजिस्टिविटी ऑफ मर्करी। तो हम ये कह सकते हैं कि आयरन is a better conductor than mercury. Second part says which material is the best conductor. When we look into the table, silver ki resistivity sabse kam hoti hai, jo ki 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter hai. So silver is the best conductor. The first question says judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. A part 1 ohm and 10 to the power 6 ohms and B part 1 ohm 10 to the power 3 ohm and 10 to the power 6 ohms. So is question mein first part mein 1 ohm aur 10 to the power 6 ohms ko parallel circuit mein connect kiya gaya hai, to jo R equivalent hogi wo kuch is tarah hogi. इस केस में 1/10^6 जो है वो बहुत ही लो वैल्यू होगी, यानी कि 1/10^6 इज़ वेरी वेरी लेस देन 1/1 और 1। तो हम इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे। इस तरीके से जो हमारा 1/RE है या फिर जो RE है दैट विल बी वेरी क्लोज टू 1, या फिर RE will be less than 1. Similarly, B part में जो तीन resistors दिए हैं वो है 1 ohm, 10 to the power 3 ohm and 10 to the power 6 ohm. इस केस में भी 1 by R equivalent will be 1/1 plus 1/10^3 plus 1/10^6. इस केस में 1/10^3 और 1/10^6 are very very low than 1. So by ignoring these values we can write, हम लिख सकते हैं कि RE जो होगा वो बहुत close होगा 1 के, या फिर RE जो होगा वो होगा less than 1. Second question says
an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, and a water filler of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. यानी कि तीन appliances parallel में connect किए गए हैं to a 220 volt source, जो कि है electric lamp जिसकी resistance है 100 ohm, दूसरा है एक toaster जिसकी resistance है 50 ohms, और तीसरा है एक water filter जिसकी resistance है 500 ohm. Next part है, what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances, and what is the current through it? Second question में तीन devices, यानी कि एक electric lamp, एक toaster और एक water filter, जिनकी resistances 50 ohms, 100 ohms और 500 ohms respectively है, वो parallel system में connect किए गए हैं, जिसकी voltage 220 volt है. Next part में question says कि the user wants to connect an electric iron to the circuit, यानी कि वो एक electric iron connect करना चाहता है इस circuit में, जिसकी resistance unknown है, but it says कि जो current होगा वो equal होगा इन तीनों के current के, यानी कि जो current ये तीनों combined लेते हैं वो ये electric iron अकेले use करेगा, और ये connected होगा parallel में, voltage जो है वो 220 volt ही रहेगी. तो सबसे पहले हम करंट निकाल के देखते हैं, उसके लिए हमें चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज. वोल्टेज जो है वो गिवन है 220 वोल्ट्स. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, जिसका रिजल्ट आएगा यानी कि आर ई विल बी 500/16, जो कि होगा 31.25 ohms. अब जहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई है, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक आयन उतना ही करंट यूज़ करेगी जितना ये तीनों एक साथ करेंगे, तो इस इलेक्ट्रिक आयन की रेजिस्टेंस भी 31.25 ohm होनी चाहिए, क्योंकि वोल्टेज दोनों केसेस में सेम है, विच इज़ 220 volts. तो इलेक्ट्रिक आयन की रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है. अब करंट के लिए हम वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर करेंगे, यानी कि ओम्स लॉ से डिराइव्ड फार्मूला हम यूज़ करेंगे. तो करंट इन द सर्किट विल बी 220/31.25, जिसका आंसर होगा 7.04 amperes. और हमने इसमें ये भी देखा कि रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयन विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बिकॉज इट विल यूज द सेम अमाउंट ऑफ करंट एज बाय द थ्री डिवाइसेस. यानी कि जितना करंट वो थ्री डिवाइसेस कंबाइन करके लेंगे, उतना ही करंट इलेक्ट्रिक आयन अकेले यूज़ करेगा. इसीलिए द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयन विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज. पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए दो एडवांटेजेस हैं. पहला कि वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस इन पैरेलल, यानी कि पैरेलल में हर डिवाइस में वोल्टेज सेम सप्लाई होती है. सेकंड पॉइंट है कि इफ एनी ऑफ द डिवाइस बिकम्स फॉल्टी देन इट वोंट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर डिवाइसेस. सपोज वी हैव थ्री डिवाइसेस, D1, D2 और D3. इसमें से एक डिवाइस D2 फॉल्टी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो D1 और D3 को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो नॉर्मली परफॉर्म कर पाएंगे, जबकि सीरीज़ में ऐसा नहीं है. सपोज़ सीरीज़ में D2 डैमेज हो जाता है या D1 डैमेज हो जाता है, तो देर विल बी नो सप्लाई ऑफ करेंट इन D2 एंड D3. इफ़ D1 इज़ डैमेज, then D2 and D3 will not perform properly.
सिमिलरली अगर D2 डैमेज होता है तो D1 पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट D3 परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए डिवाइसेस को पैरेलल में लगाना ही सूटेबल होता है। फोर्थ क्वेश्चन सेज, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। तो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 2 ओम्स, 3 ओम एंड 6 ओम। हमें इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए 4 ओम और 1 ओम। क्वेश्चन ये है कि इन तीनों को किस सिस्टम में लगाया जाए या किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए ताकि हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम और 1 ओम आए। तो फर्स्ट केस में सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो होगी 11 ओम, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मैच नहीं होती। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो होगी 1 ओम, क्योंकि जो आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा 6/6 यानी कि 1 ओम। तो बी पार्ट का आंसर हमें इन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करने से मिल जाएगा, पर हमारा ए पार्ट अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है जिसमें हमारी रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम्स की थी। तो इसके लिए हम दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे और एक को उनके साथ सीरीज में कनेक्ट करके देखेंगे। तो ट्राई करते हैं 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, यानी कि 2 ओम और 3 ओम आर इन पैरेलल और 6 ओम इन दोनों के साथ सीरीज में है। तो इस सिस्टम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो होगी 36/5 ओम्स, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं हो रही है। तो हम कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखेंगे, 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम। तो इस सिस्टम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 1/3 + 1/6 यानी कि 3/6 यानी कि R होगा 6/3 जो कि होगा 2 ओम्स, और सीरीज में कनेक्टेड है 2 ओम रेजिस्टर के साथ जो कि होगा 4 ओम। तो इस केस में हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो होगी 4 ओम्स, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से मैच हो रही है। यानी कि जब हम 3 ओम रेजिस्टर और 6 ओम रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और इस सिस्टम के साथ 2 ओम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट मैच होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और सिस्टम दिया हो 3 रेजिस्टर्स का, तो हमेशा 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे सीरीज, यानी कि तीनों सीरीज में हो या तीनों पैरेलल में हो या फिर दो पैरेलल में हो और एक सीरीज में हो। इसी तरह से अगर 4 रेजिस्टर्स का सिस्टम दिया हो तो चारों सीरीज में हो सकते हैं, चारों पैरेलल हो सकते हैं, या दो पैरेलल और दो सीरीज में हो सकते हैं, या फिर 3 पैरेलल और एक सीरीज में हो सकता है उनके साथ। तो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 4 रेजिस्टेंस के केस में और 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 3 रेजिस्टेंस के केस में। इस चीज़ को याद रख के हम इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम्स। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 रेजिस्टर्स प्रोवाइडेड हैं जिनकी वैल्यूज 4, 8, 12 और 24 ओम्स दी हैं रिस्पेक्टिवली। तो इस केस में हमें इन चारों को कंबाइन करके हाईएस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस बतानी है या हाईएस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है, और सेकंड पार्ट में हमें इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा याद रखेंगे कि हाईएस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज के केस में होती है, यानी कि हम इन चारों रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें। सिमिलरली स्मॉलेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल के केस में होती है, यानी कि जब हम इन चारों रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें। तो लेट्स सॉल्व, इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 4 + 8 + 12
प्लस 24 यानी कि 48 ओम्स, विच विल बी द हाइएस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दीज फोर रेजिस्टर्स। सिमिलरली स्मॉलेस्ट के केस में हम इन चारों के रेसिप्रोकल्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट के केस में हम इन चारों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो इस केस में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 1/2, विच विल बी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 ओम, जो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी आर इक्विवेलेंट की इन चारों रेजिस्टर्स के केस में। व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डस? तो इस केस में वी नो कि हीट जो है वो आई स्क्वायर आर टी से हम डिनोट करते हैं, यानी कि हीट जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंगली करेंट के स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम की प्रॉपर्टी ये है कि उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो कॉर्ड है वो कॉपर की होती है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत लो है और ये अच्छा कंडक्टर है। तो कॉपर के केस में लेस हीट विल बी जनरेटेड, जबकि नाइक्रोम के केस में मोर हीट विल बी जनरेटेड बिकॉज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है नाइक्रोम के केस में, और कॉपर के केस में रेजिस्टेंस बहुत कम है। इस केस में हमें याद रखना है कि करंट जो है दोनों में इक्वल फ्लो कर रहा है, तो जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा रेजिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स। सेकंड क्वेश्चन में हमें चार्ज दिया है 96,000 कूलम, टाइम दिया है 1 आवर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 50 वोल्ट्स। हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें हीट कितनी जनरेट होगी, कि एनर्जी इज इक्वल्स टू वी क्यू। तो एनर्जी विल बी 50 × 96,000 कूलम्स, यानी कि द हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू 48 × 10^5 जूल्स और 4.8 × 10^6 जूल्स। थर्ड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड्स। रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम्स, करेंट गिवन है 5 एम्पियर, टाइम गिवन है 30 सेकेंड्स। वी हैव टू कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन 30 सेकेंड्स, यानी कि तो इस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आई स्क्वायर आर टी। तो हीट जनरेटेड विल बी 5² × 20 × 30, यानी कि 25 × 20 × 30। हीट एनर्जी की वैल्यू आएगी 15,000 जूल्स या फिर 1.5 × 10^4 जूल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट? फर्स्ट का आंसर होगा रेजिस्टेंस, बिकॉज द रेजिस्टेंस डिटरमाइंस द रेट एट विच द करंट इज डिलीवर्ड इन अ सर्किट। सेकंड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर्स फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, यानी कि करंट इज गिवन टू अस एज 5 एम्पियर्स, वोल्टेज इज गिवन as 220 volts. So we have to determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. We have to calculate the power and the energy that is consumed in 2 hours. For power we will simply multiply V and I, क्योंकि यह formula हमने last classes में discuss किया था कि power is equals to the product of the current and the potential difference, यानी कि 1100 watt, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है। एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, तो एनर्जी विल बी 1100 × 2 आवर्स। इसे जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें
ये वैल्यू वॉट सेकंड में चाहिए होगी, इसीलिए हम इसे 7200 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर होगा 792000 जूल्स, या फिर 7.92 × 10^6 जूल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश देन द रेशियो आर बाय आर डैश विल बी। फर्स्ट क्वेश्चन में जो रेजिस्टेंस की ओरिजिनल वैल्यू है वो है आर, और जब हम इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पांचों इक्वल पार्ट्स की वैल्यू आर बाय 5 होगी, और जब हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा 5 by r, 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 ये, बिकॉज r by 5 जो है वो ओरिजिनल वैल्यू है, और इसके रेसिप्रोकल को ऐड करने के लिए हम 5 by r लिखेंगे, तो जो r इक्विवेलेंट होगी वो होगी, यानी कि r इक्विवेलेंट विल बी r by 25। अब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है r की r, और सेकंड केस में r इक्विवेलेंट है हमारे पास r by 25। तो अब हमें ओरिजिनल वैल्यू और इक्विवेलेंट वैल्यू की रेशियो निकालनी है, तो जब हम इसकी रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू होगी। इसका मतलब द रेशियो ऑफ ओरिजिनल वैल्यू टू द इक्विवेलेंट वैल्यू इन द सेकंड केस विल बी 25। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 25। अब इस क्वेश्चन में जो कैच है वो ये है कि इक्वल पीसेस करने के बाद जो रेजिस्टेंस है वो आर बाय 5 होगी, पर जब हम उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल ऐड होगा, जिस तरह से हमने यहाँ किया है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट, आई स्क्वेयर आर करता है रिप्रेजेंट, आई आर स्क्वेयर नहीं करता। तो इस केस में बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज आई आर स्क्वेयर डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट। थर्ड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट्स एंड 100 वॉट, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट्स द पावर कंज्यूम विल बी। तो ओरिजिनल वोल्टेज जो है वो हमें दी है 220 वोल्ट्स, पावर जो है वो हमें दी है 100 वॉट। हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, तो इस केस में वोल्टेज इज हाफ इन द क्वेश्चन, बिकॉज वोल्टेज जो है वो 110 वोल्ट थी है। तो इस केस में जब हम देखेंगे कि वी अपॉन टू होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि पावर विल बिकम 1/4 ऑफ वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि पावर विल बी 1/4 इनटू द ओरिजिनल पावर, यानी कि 1/4 इनटू 100। तो न्यू पावर विल बी 25 वॉट्स। फोर्थ क्वेश्चन, टू कंडक्टिंग वायर्स of the same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in the series and parallel combinations would be. Fourth question में दो resistors provided हैं जिनकी resistance equal है, तो हम suppose कर लेते हैं कि दोनों की value R है। एक case में ये दोनों series में connect किए गए हैं, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी फर्स्ट केस में वो 2R होगी, जबकि सेकंड केस में ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं जहां इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बाय 2 होगी। फर्स्ट केस में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी I स्क्वायर R E T, यानी कि I स्क्वायर 2R इंटू T, इसे हम 2 I स्क्वायर R T भी लिख सकते हैं। सेकेंड केस में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी आई स्क्वायर आर ई
टी, यानी कि आई स्क्वायर आर बाई टू इंटू टी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2 आई स्क्वायर आर टी। अब इन दोनों की रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे, 2y² आर टी डिवाइडेड बाय i² आर टी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि h1/h2 विल बी 2/1 × 2, यानी कि 4:1। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग बैक क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिक्षा ट्यूब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेल अस एट newsuccess.8@gmail.com एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर अदर लेसन्स। थैंक यू।